Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया। तो गाइज, आ चुकी एक न्यू गेम्बल के साथ वापस। और आज मैंने सोचा था कि भाई गेम्बल अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से ना रात को नींद नहीं आ रहा है। यूट्यूब के चक्कर में भाई देख रहा हूँ क्या हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, इसी चक्कर में रात को नींद नहीं आ रहा। तो आज काफ़ी ज़्यादा सर दुख रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे गेम प्ले आज शायद नहीं होगा। तो मैंने फिलहाल ये गेम प्ले रिकॉर्ड किया था और कुछ पुराना क्लिप था जिसको मैं जोड़ दिया स्टार्टिंग पे। सो होप तुम लोगों को बढ़िया लगा हो। अब देखो, ये जो गेम प्ले है ना, तुम्हें 6x की स्प्रे देखने को मिलेंगे, तो एंड तक देखना, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले हुआ है। ज़्यादा किल नहीं हो पाए लेकिन गेम प्ले तुम्हें ज़बरदस्त लगेंगे। फिलहाल देखो, बहुत लोग मेरे को नीचे कमेंट कर रहा था कि भाई आ जाओ डुओ में खेलते। देखो, डुओ में खेलने के लिए खेल सकता था मैं, लेकिन एक दो बंदा होता तो मैं खेल सकता था। भाई 50 से 60 बंदा मैसेज कर रहे हैं, मैं कितने बंदों के साथ खेलूँ? वैसे भी मैं अपनी पापा की दो चप्पल के बाद भाई सुबह खाना मिलता है, दो चप्पल खाने के बाद शाम को खाना मिलता है, दो चप्पल के बाद रात को खाना मिलता है। इतनी ज़्यादा मतलब बात सुनना पड़ता है यूट्यूब के चक्कर में, तो उन लोगों के लिए भाई टाइम भी निकालना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, घर की जो भी काम होती है। तो ऐसे तो फ्री टाइम नहीं होता है भाई अपने के पास, तो दैट्स पर यहाँ पे मैं टाइम नहीं मिल पाता। और तुम लोग भाई मैसेज के ऊपर मैसेज कर ही जा रहे हो और एटीट्यूड है या ये है वो है, कुछ नहीं है भाई। सिंपल सा हूँ मैं तुम्हारे जैसा, एक सिंपल सा तुम्हारे से भी मतलब सिंपल सा हूँ मैं। फिलहाल देखो, मैं आ जाता हूँ ये वाली यहाँ पे। अब सामने से मेरे को कुछ गन की साउंड आ रहा था, अब यहाँ पे मैं बॉट फायर देने लगता हूँ कि भाई एक दो बंदा अगर आएगा तो मारेंगे। तभी मेरे को ये बॉट दिखता है, तो इसको यहाँ पे मार देते। अब देखो कर क्या ही कर सकते भाई, मारना पड़ेगा। फिलहाल मैं फिर से आ जाऊँ तो ये वाली घर पे, एंड तभी मेरे को दो बंदे स्पॉट होता है। थोड़ा सा इस पर देने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन तभी इसके और एक टीममेट मेरे को स्पॉट हो जाता है। तो पहले इसको नॉक करने की ट्राई करते हैं, एंड फाइनली इसको मैंने नॉक कर देता हूँ। और पेड़ के पास देखो तो और एक बंदा आपको दिख जाएगा, एंड फाइनली इन दोनों की डब्बा यहाँ पे बन चुका था। अब यहाँ पे मैं देखने की ट्राई कर रहा था कि इसकी जो और टीममेट कहाँ था है, तो मैं यहाँ पे आसपास और को देखने की ट्राई कर रहा था, एंड तभी यहाँ पे मेरे को गाड़ी दिखता है जिस पे एक बंदा था। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई क्लोज ही हो रहा था। मैंने सोचा कि बंदे यहाँ पे रुकेंगे, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एक नेट पकड़ लेता हूँ, लेकिन वो तो यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बार बार तो गन रिलोड पे आ जाता है और वो भी आगे ही जा रहा था। और फाइनली वो बंदा यहाँ से निकल लेते हैं। क्या सोच रहे हो भाई, निकालने दूंगा नहीं, जितना मैं जी भर के कोशिश करूँगा। फिर फाइनली इसका भी डब्बा बना दे दूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जीएल वीएल दे रहा था भाई, प्रो बनने की कोशिश तो कर रहा था मैं, तभी मेरे को यहाँ पे एक बॉट दिखता है, तो इसका डब्बा यहाँ पे बना देते। अब इसका डब्बा बना दो, फिर मैंने सोचा कि नीचे दिन दोनों को मैंने मारा था, उन दोनों को लूट के यहाँ से निकल लेते। तो मैं आ जाऊँ लूट करने के लिए, तभी मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप दिखता है। और मैंने सोचा था कि भाई यहाँ पे एक बंदे होंगे, बट ये एक बोट था। तो फटाफट इसका डब्बा यहाँ पे बना देते, एंड तभी मेरे को मतलब यहाँ पे दो बंदे स्पॉट होता है, तो एक को तो मैंने नॉक कर देता हूँ। और इसी टाइम भाई जोन भी स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे, आप देख सकते हो टाइम नहीं है ज़्यादा, जोन स्टार्ट हो चुका था और उन लोगों को भी आना था। अब वो लोग एक बंदा यहाँ पे दो बंदा था जो पत्थर के पीछे बैठ के जो रिवाइव देने लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम ये पेड़ के पीछे में यहाँ पे कवर ले लेता हूँ, एंड उन लोगों तो आना है बजाएंगे। एंड तभी देखे भाई दो के दो बंदे पानी में था, तो एक तो गया और ये भाग के पत्थर के पीछे जा चुका था।
और फाइनली इसका भी डब्बा मैंने यहाँ पे बना दे दूँ। तो होप ये स्प्रे तुम लोगों को बढ़िया लगा हो, अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। और देखो वीडियो की ना वॉच टाइम नहीं आ रहा भाई, ये काफ़ी गलत चीज़ है, वीडियो पूरा तुम लोग नहीं देख रहे हो तो वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ भाई, तो वीडियो को प्लीज़ यार वॉच टाइम देना, ठीक है। कम से कम वीडियो को पूरा देखना, एक हफ्ता जितनी वीडियो आएगी ना तो पूरा देखो। अगर तुम नहीं देख रहे हो, जितना भी तुम्हें अच्छा लगता है देखो, उसके बाद प्ले करके छोड़ दो, वो पूरा हो जाए उसके बाद काट देना लाइक वगैरह करके। फिलहाल देखो मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकल के जा रहा था, क्योंकि जो सर्कल बन रहा था वो बन रहा था ओल्ड विजन की तरफ। अब जब मैं यहाँ पे आता तो मेरे को पीछे से इस पर आ रहा था और कुछ बंदे जो हैं पीछे की साइड भी था, तो मैं अपनी गाड़ी को भंगा के लेके आ जाता हूँ ये वाले घर के पास। अब देखो वो लोग जो है पीछे था और तीन बंदे थे जो हमको मारना था, सो दैट्स में मैं ये घर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से भाई काफ़ी अच्छे एंगल मिल सकता था। अब जब मैं ये घर के अंदर आ जाता हूँ, थोड़ा वेट करने के बाद ही मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा मारने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि शॉट कनेक्ट नहीं होता है तो वो बंदा भाई अपनी सीना चौड़ा करके आ जाता है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डैमेज तो उसको दे देता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे ले जाता है और इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। हालाँकि मेरी भी हालत यहाँ पे बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, सो फटाफट यहाँ पे एक हेल्थ किट लगा लेते। और ये जो बंदा जिसको मैंने नॉक किया था, पूरी की पूरी कोशिश करूंगा इसका डब्बा बनाने की, क्योंकि ये बंदा भी रिवैक हो जाएंगे तो भाई आगे जाके मेरे लिए मुश्किल खड़ा कर सकते थे। सो मैंने यहाँ पे मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इसकी जो टीममेट को भी मैं थोड़ा सा डैमेज दे दिया था, तो वो बंदा जाते जाते वहाँ पे डब्बा बन जाता है। अब देखो लास्ट दो बंदा था जिसको हमको मारना था, तो किसी भी करके एक बंदे को भाई नॉक करना है और रश कर देंगे। तो मारने की ट्राई करता हूँ यहाँ से। अब इस बंदे को मैंने यहाँ पे डैमेज दे दिया था, लेकिन जोन जो है वो लोगों की बाहर था, तो आना था जोन भी स्टार्ट हो चुका था। अंत में भाई एक बंदा लेफ्ट की साइड आ जाता है, तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब देखो यही मौका था। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं, मैं एंगल चेंज करता हूँ, तो एंगल चेंज करेंगे तो भाई यहाँ पे बहुत ही इजीली स्पॉट हो जाएंगे बंदे, तो मैं मार दूंगा। सो मतलब दैट्स व्हाई आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब वो बंदा जो है पीछे बैठ कर रिवाइव दे रहा था, एंड फाइनली गाइस हमें चिकन डिनर मिल जाता है। सो होप गाइस यहीं था गेम प्ले, तुम लोगों को बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चाहो सब्सक्राइब नहीं हो तो कर सकती हो, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को भी शेयर नहीं किया तो कर देना भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।